हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति मोटिवेशन ब्लॉग में। तो गाइज, आपको थंबनेल पता देख करके पता चल गया होगा कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक हाउसवाइफ अपनी टाइम टेबल को कैसे मैनेज करें। मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ, मेरा खुद एक लंबी फैमिली है, मेरा बेटा है जो कि स्कूल जाता है, तो सारी चीज़ों को हमको भी मैनेज करनी होती है। तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो हाउसवाइफ हैं और सोचती हैं कि पढ़ाई करना चाहती हैं, अंदर से मोटिवेट रहती हैं कि पढ़ाई करें, लेकिन अगर पूछो तो यही बोलेंगे कि टाइम ही नहीं मिलता है, पढ़ाई कैसे करें। तो उनके लिए पहली चीज़ें तो ये है कि आप अपने नींद को थोड़ा त्यागिए, क्योंकि जब नींद को त्यागोगे तभी आप कुछ कर सकते हो। आप मॉर्निंग में जल्दी उठिए, कम से कम 2 घंटे की पढ़ाई आप मॉर्निंग में कर लीजिए। आप 4 बजे उठ जाइए, अगर आपके फैमिली मेम्बर 6 बजे उठते हैं, 6 बजे उनको नाश्ता चाहिए, तो 4 से 6 आप 2 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद में आपने बच्चे को भेज दिया, जब आप लंच तैयार कर रहे हो या आप नाश्ता बना रहे हो, उसी टाइम दोपहर का कुछ चीज़ें प्रिपेयर कर लो, जैसे सब्जी बनाना हुआ, आटा गूंथ कर रखना हुआ, किचन साफ़ करना हुआ। जब आप दोपहर का भोजन तैयार करने आओगे, तो कुछ चीज़ें प्रिपेयर रहेंगी, तो थोड़ा आप हल्का महसूस करोगे और आपका काम भी फटाफट हो जाएगा। तो जब आपने नाश्ता सबको दे दिया, बच्चों को स्कूल भेज दिया, तो उसके बीच में भी आप, हमें लगता है 1.5 घंटे 2 घंटे का टाइम निकाल सकते हो। आप खुद ही सोचो कि 2 घंटे की पढ़ाई वो हो गई, 2 घंटे की ये 4 घंटे तो ऑलरेडी हो गई। उसके बाद में आप खाना वगैरह खा लो, और हर कोई दोपहर में, मतलब बिल्कुल हम लोग को स्ट्रेस नहीं लेना है। दोपहर में आराम से 1-2 घंटे 1.5 घंटे की आराम भी आप कर सकते हो, उसके बाद में 1-1.5 घंटे की आप टाइम निकाल लीजिए, इवनिंग में भी टाइम निकाल लीजिए, तो 4-5 घंटे तो वैसे ही हो गए हम लोग के पढ़ाई के लिए। और तीसरी चीज़, आप मोटिवेट ज़्यादा रहिए। मतलब अगर कोई फैमिली में क्या होता है ना कि अगर कोई थोड़ा सभी निगेटिव बातें बोल देता है, मेरे साथ तो ये ज़्यादा ही होता है, अगर कोई निगेटिव बात थोड़ा सा भी बोल देता है तो बिल्कुल स्ट्रेस हो जाता है, दिमाग में वही चीज़ घूमने लगता है कि ऐसे क्यों कह दिया, ऐसे क्यों बोल दिया। तो इन सब चीज़ों को हमको बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना है, क्योंकि जब हमेशा जो अपनी थिंकिंग है वो पॉजिटिव रखिए। जब आप पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो आपकी सोच भी अच्छी रहेगी, आप मोटिवेट रहोगे, तो जो आप पढ़ाई करोगे उसमें 100% का मन भी लगेगा, क्योंकि ऐसे पढ़ाई का क्या मतलब कि आप टाइम भी निकाल लिए और कुछ सीख भी नहीं पाए, तो ऐसे पढ़ाई का हमें लगता है कि कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। उसके बाद में आप आराम से अपने बच्चों को भी टाइम दीजिए, इवनिंग में बच्चों का होमवर्क वगैरह कराना हो वो भी आप करा सकते हो, अपने बच्चे को टाइम दे सकते हो। इवनिंग में आप अपनी फैमिली मेम्बर के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हो। फिर आप डिनर तैयार करिए, डिनर के बाद भी आप चाहो तो 1 घंटे या 1/2 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो रात में सोने से पहले। तो आप मॉर्निंग से अगर काउंट करते हुए आओ तो बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी दबाव के 4-5 घंटे पढ़ाई हो ही जाती है। तो आशा करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, और थोड़ा सा भी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और हमें काफ़ी ज़्यादा आप सपोर्ट करिएगा। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।